टीएनएन 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। पूरे भारत में हनुमान जयंती मनाई जा रही है और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। नागपुर पश्चिम के आनंद नगर चौक पर यहाँ भी हनुमान जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं यहाँ के समाज सेवक संतोष जी उपाध्याय है, जिनका हर वर्ष काफी सहकार्य रहता हूँ। न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। पूरे भारत में हनुमान जयंती मनाई जा रही है और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। नागपुर पश्चिम के आनंद नगर चौक पर यहाँ भी हनुमान जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और काफी बड़ी यहाँ से रैली निकाले गई है और सारे भक्त जो है वो इस हनुमान जयंती में शामिल भी हुए, जन्म उत्सव में शामिल थे। तो आइए, हमारे साथ में यहाँ के समाज सेवक संतोष जी उपाध्याय है, जिनका हर वर्ष काफ़ी सहकार्य रहता है, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया, आपका टीएनएन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे अनंत नगर वासियों को इस हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर। मैं सभी भक्तगणों को यही बोलूँगा कि इस जन्म उत्सव से हमेशा जुड़े रहे, इस रैली से हमेशा जुड़े रहे। ये अनंत नगर में हनुमान जन्म उत्सव हर साल की तरह धूमधाम से मनाया गया है। धन्यवाद। हर बार हम देखते हैं कि आप काफ़ी सहकार्य करते हैं, हमेशा आपका साथ जो है वो सभी समाज के लोगों के साथ होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के साथ रहता है। कैसा लगता है आपको, कैसा खुशी? नहीं, धर्म के तो कोई बात ही नहीं है, सभी धर्म एक है। मैं सभी धर्म के साथ में रह हर प्रोग्राम हम लोग यहाँ आनंद नगर चौक पर मनाते हैं, चाहे वो मुहर्रम हो या जन्म उत्सव हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, दुर्गा उत्सव, सभी चीज़ हम यहाँ पे एक साथ मनाए जाते हैं। यहाँ धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भैया, लॉकडाउन में जो 2-3 साल तक के बंद रहे जन्म उत्सव, सारी चीज़ें, सारे उत्सव बंद रहे, लेकिन इस बार जो हमको खुलकर देखने को मिला, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इस साल हर साल से ज़्यादा पैमाने में लोग इस रैली में शामिल हुए, उसके लिए मैं सभी लोगों को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। आखिरी में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप भारत के लोगों को? मैं सभी को यही मैसेज देता हूँ कि हम सब हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। बिल्कुल, हिंदुस्तान सबसे बड़ा नाम, क्योंकि वर्ल्ड में जाना जाता है भारत का नाम, और वाकई में भारत के लोग बड़े ही दिल दरिया दिल होते हैं, खूबसूरत होते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ साईं बाबा, जिसे संतोष भैया भी काफ़ी लाइक करते हैं और सभी समाज के लोग लाइक करते हैं, तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ ये मूर्ति के, साईं बाबा की ये खूबसूरत मूर्ति यहाँ रखी हुई है और चेहरा उनका कैसे चमक रहा है यहाँ, आज दिन भर से यही है। भैया, क्या कहना चाहेंगे? साईं बाबा मंदिर यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, बहुत साईं अच्छा। बाबा सभी धर्म के भगवान माने जाते हैं, और मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा, बाबा साईं हो या कोई भी हो, अल्लाह हो या अकबर हो, सब एक है। और मैं सब धर्म को बोलूँगा कि सभी समाज के साथ अपना सभी त्यौहार मनाएं। बिल्कुल, सभी समाज के साथ सभी त्यौहार मनाएं, क्योंकि भारत जो है ना हमारा, वो गुलाब का फूल है, वो गुलाब के फूल की तरह खिलता है, और भारत की खूबसूरती, सभी धर्मों के लोग इस भारत में रहते हैं, और इसी वजह से भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में भी लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये दिशा दिखा देता हूँ कि जहाँ अभी आनंद नगर चौक पर संतोष उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में यहाँ बहुत सारी चीज़ें उन भक्तों को खिलाई गई है जो रैली में शामिल थे। तो मेरे जहाँ तक आपकी निगाह जाती है, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल।